बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अहम फैसले किए गए हैं, सबसे पहला जो फैसला किया गया, नवीं दसवीं इम्तिहान 4 मज़ामीन के साथ होगा, जिसमें फिज़िक, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर और रियाजी। इसी तरह आर्ट्स की अगर बात की जाए, रियाजी, जनरल साइंस, इस्लामियत, इख्तियारी और एजुकेशन वगैरह के पेपर होंगे। इसी तरह 11वीं 12वीं का इम्तिहान सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन का होगा। फैसला यानी साइंस में अगर बात की जाए, फिज़िक, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या रियाजी, यानी तीन पेपर होंगे आपके। इसी तरह इम्तिहान की तैयारी के लिए 9वीं और 10वीं की जो क्लासेज हैं उनका भी शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा इम्तिहान जो है वो 10 जुलाई के बाद होंगे, ये भी फैसला किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स 12वीं और 10वीं के इम्तिहान के बाद 11वीं और 9वीं जो जमात है उसके इम्तिहान होंगे। तो ये स्टूडेंट्स कुछ फैसले किए गए हैं इस मीटिंग्स में। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी डिटेल हुई, जो भी अपडेट्स हुए, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।